तो अभी जो है फाइव एफ देखना है, ठीक है। फाइव एफ का पहले लिखेंगे वन ए, तो इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं वन ए, तो वन ए जो है वो है 7a+7b बाय 7, ठीक है। ये हमें डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे डिवाइड इसको, तो 7a+7b ये जो है बाय 7, इसको डायरेक्ट लिखना अपॉन में, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसको सेपरेट करना अलग अलग, तो 7a/7 आएगा प्लस 7b/7, ये प्लस का आप कहाँ से आया, तो यहाँ से, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, बाकी का इधर लिखता, ये कट किया कट किया, तो बचे कितना फिर यहाँ पे, a+b, ठीक है। तो a+b हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं बी नंबर का, तो बी का जो है वो प्रॉब्लम है ax+ay/a, ठीक है। अब पहले हम इसको क्या करेंगे, a को डिवाइड करेंगे दोनों को, इसमें ax+ay/ में लिखेंगे ये, ठीक है। उसके बाद सेपरेट करेंगे, तो ax/a+ay/a, ठीक है, ये y है, ठीक है। तो इसको सेपरेट किया, और ये क्या है, ए है, तो इसको सेपरेट किया, तो ये कट हो जाएगा और ये भी ए कट हो जाएगा, तो बचा कितना फिर यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, x+y, ठीक है। तो ये हो गया बी का आंसर, x+y। ओके, उसके बाद फर्स्ट का सी देखते हैं, तो फर्स्ट सी जो है वो है 6y-2 बाय 2, तो ये हमें डिवाइड करना है अभी। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 6y-2 अपॉन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले करेंगे सेपरेट, तो 6y/2 आएगा, -2/2 आएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू, अब देखो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और 2 2 यहाँ पे कट, बचेंगे कितना, ओनली 1, मतलब यहाँ पे आएगा 3y-, ये 1/1 आएगा, मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 3y-1, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर सी का। उसके बाद फर्स्ट का डी देखते हैं, तो ये b-a/b, ठीक है। तो बी सी इसको डिवाइड करना है, तो पहले करेंगे अपॉन में लिखेंगे b-a/b, ठीक है। उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे, तो b/b-a/b आएगा, ठीक है। तो उसके आगे क्या हो जाएगा फिर, तो बी से बी कट, तो यहाँ बचेगा ओनली 1, ठीक है। तो ये तो कट होता ही नहीं ना, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1/1, मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1-, और ये a-a/b जो है एज इट इज़, ठीक है। तो ये हुआ आंसर इसका, 1-a/b। तो इस तरह से हमने फाइव अब जो है इसका क्वेश्चन 1 सॉल्व किया।